हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मुझे ना अभी भी नींद आ रही थी और मैं नींद को दूर करने के लिए ना चाय लेके बैठ गई थी, क्योंकि चाय के बिना मुझे सुकून नहीं मिलता। फिर इधर मेरी सासू माँ जा रही थी ननद के घर, मतलब मेरी ननद के घर। हाय गाइस। और इधर ना मैंने जियांश का बिस्तर नीचे लगा दिया था, क्योंकि मुझे निकालने थे कुछ कपड़े। इन्होंने मुझे बोला था कि मेरे लिए ना एक दो ठंड के कपड़े निकाल दो, क्योंकि सुबह सुबह जाने में ना ठंड लगता है। और इन्होंने अपना शिफ्ट ना नाइट वाला लगा लिया है, तो रात को तो ठंड होती है, तो इनके लिए निकाले कपड़े। और मैंने लगे हाथ मेरे लिए भी एक निकाल दिया स्वेटर, और देखा तो मेरे शादी का लहंगा पड़े पड़े ना सर रहा था। मैंने सिर्फ एक ही बार पहना था, उसके बाद मैंने इसको छुआ तक नहीं, आज तक इसको पहन के भी नहीं देखा। और फिर ना मुझे कपड़े नहीं मिल रहे थे, तो मैं ना बैठ के अंदर ही चली गई थी ढूंढने, क्योंकि किधर किधर क्या क्या रखा था ना मुझे खुद भी याद नहीं था। तो ज़रूरत का सामान निकाला, और जो ज़रूरत नहीं था उस सबको मैंने फोल्ड करके ना फिर से वहीं पे रख दिया जहाँ पे था, क्योंकि ज़्यादा सामान निकाल के कहाँ रखने का जगह ही नहीं है। अलमारी पूरा फुल है, और पता नहीं इस बार मैं ठंड के कपड़े कहाँ रखूँगी। और मेरा रूम ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मुझे बहुत दिक्कत होता है मेरे रूम में। फिर मैं शाम को ना मेरे हस्बैंड के लिए बना रही थी कॉफ़ी, क्योंकि मैंने सोचा था कि उनके लिए थोड़ा कॉफ़ी बनाती हूँ। कल भी मुझे बोल रहे थे मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, पर मैंने बनाया नहीं था, तो आज मैं थोड़ा उनके लिए कॉफ़ी बना रही थी। और ये कॉफ़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बोतल में मिलाओ कॉफ़ी, गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी, और आपके हिसाब से चीनी, और फिर शेक करो, और ना इतना ज़्यादा टेस्टी वाला कॉफ़ी बनके रेडी होता है ना। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, झटपट बन जाता है और झागदार कॉफ़ी होता है, बहुत मज़ा आता है। कोल्ड कॉफ़ी भी ना ये वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और इधर हमने एंजॉय किया कॉफ़ी, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस।